यूं तो हमारे भाई से कोई भी पना नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ऐसे लोग ले सकते हैं जिनकी खुद की हैसियत भाई से कम नहीं। उनमें से एक ऐसे इंसान है ए आर रहमान। आप लोग जानते ही हैं कि सलमान खान को मजाक करने की आदत है, कभी कभी ओवर भी कर देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किसी ऐसे इंसान के साथ पंगा ले लिया जिसने उनके मजाक को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। सलमान खान ने पहले ए आर रहमान को कहा कि वो एवरेज म्यूज़िक बनाते, ये बात पता चल रही है कि ए आर रहमान को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद तो ए आर रहमान ने यहाँ तक बोल डाला कि अगर सलमान खान चाहते हैं कि वो उनके लिए म्यूज़िक बनाए तो उनको कुछ अच्छी फिल्में करनी पड़ेंगी। वैसे एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ए आर रहमान ने एक ऐसी चीज़ बोल दी जो हर हिंदुस्तानी बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता किसी के डर से। बड़ा ही अनोखा सवाल पूछा मैडम ने। शायद इन, इन, इन मुझसे ये एक्सपेक्टेशन होगी इनकी कि नहीं, अच्छा नहीं लगा मुझे यहाँ पर आकर। ऑब्वियसली आई एम, सवाल ये था कि आप पेंट करते हैं और यहाँ पर आज जिस तरह से म्यूजिक, पोएट्री और पेंटिंग तीनों का समावेश हुआ है, सो एज एन आर्टिस्ट हु पेंट्स, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बिकॉज यू आर सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट, मैं उस हिसाब से पूछ रही थी सर। हमने जो सुना है सर उसी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। इनसे ये बोल रहा हूँ कि आपने मेरा काम कहाँ देख लिया। नहीं सुना है। जी नहीं, एक वो एक पेड़ की पेंटिंग आई थी, वो पेड़ की पेंटिंग मेरी नहीं थी। आई जस्ट डू फेसेस। ये बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर। कपिल सर की मैंने लिरिक्स सुनी हैं पहले भी एंड ही इज़ अमेजिंग विद दैट। रहमान आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, करेक्ट ना? हमारे दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, जय हो। और सोनी म्यूजिक द बेस्ट पीपल टू वर्क दिस एल्बम वुड बी सोनी म्यूजिक। और ये तालियां से सोनी म्यूजिक के काम करने वाले ही बजा रहे हैं। लता जी हैं इस एल्बम में, रहमान साहब हैं, कपिल साहब हैं, एक श्रिया घोषाल हैं और गांधी जी भी आ गए। गांधी परिवार के भी एक सदस्य हैं शायद। कंग्रेचुलेशंस। एंड देन हु बेटर देन मी टू इनॉग्रेट दिस। थैंक यू, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर एंड थैंक यू सर। आई थिंक कपिल सर इज इन द राइट हैंड्स, रहमान इज देयर एंड I just heard a little bit of the song. I think it's beautiful. हमारे लिए कब काम करोगे?